नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कई दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर बना है, जिसको लेकर देश भर में इस समय खुशी का माहौल है। आज हम आपको अयोध्या में रामलला की यात्रा पर चलने का निमंत्रण देते हैं, जिसमें आपको मुगल काल से इतिहास से लेकर राम मंदिर बनने की पूरी कहानी आज बताएंगे। इसके अलावा राम मंदिर की हर एक खासियत, कितना भव्य है, कैसे तैयार हुआ, क्या खास है, सब जानकारी इसी यात्रा में आज आपको देने वाले हैं। तो चलिए राम मंदिर के इतिहास से शुरुआत करते हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में उनका मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। इतिहासकार बताते हैं 5वीं शताब्दी में इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने मंदिरों को ठीक करवाया। फिर कई सालों तक मंदिर ठीक रहे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के कहने पर ही मंदिर तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण उन्होंने करवाया था। बाद में इसे ही बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा था और उसी समय बाबर का राज था और उसकी जड़ें काफी मजबूत थी। इसीलिए 250 साल बीत गए, कोई यहाँ हलचल नहीं हुई। और आपको ये भी बता दें कि यूरोपियन ज्योग्राफर उन्होंने 1766 से 1771 के बीच में इसी स्थान पर वो थे और उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी। इसमें यहाँ पर राम चबूतरा होने की बात उन्होंने कही थी। 1813 में पहली हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया और यहाँ से मामला फिर उठने लगा। उस वक्त देश पर अंग्रेजों का शासन था। 1853 में पहली बार यहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई। विवाद बढ़ता देखकर 1859 में अंग्रेजों ने विवादित वाली जगह के आसपास बाड़ लगवा दी। 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1949 में मस्जिद के भीतर भगवान की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष ने भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदुओं ने चुपके से मूर्तियां अंदर रख दी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस कर दिया और उधर प्रशासन इसे विवादित ढांचा मानकर उसने ताला लगवा दिया। अब 1950 की बात करते हैं, क्योंकि 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दायर करके राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने कब्जे के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की और वहीं 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर करते हुए मस्जिद की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। अब बात आती है 1986 की, क्योंकि 1986 में जिला अदालत ने विवादित ढांचे का दरवाजा खोलने और दर्शन की इजाजत दी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर राम मंदिर का शिलान्यास किया और पहला पत्थर रखवा दिया गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे गिराया गया बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा। विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का आंदोलन पहले ही शुरू कर दिया था। 90 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा यहां राजनेताओं के लिए सर्वोपरि था। अब 1990 की बात आती है। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली और ये आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1992 में BHP समेत तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर विवादित ढांचा गिरा दिया और उसके बाद देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और दंगों में 2000 से ज्यादा लोग यहां मारे गए थे, केस दर्ज हुए थे और 49 लोग आरोपी बनाए गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी समेत तमाम BJP नेता और विहिप नेताओं ने आरोपी बनाया। हालांकि आपको ये बता दें कि 28 साल बाद कोर्ट ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के वक्त 17 आरोपियों का निधन हो गया था और ये वो समय था जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया।
विवादित ढांचा गिराए जाने के 10 साल बाद 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की। 2010 में हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच में 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया। अब बात आती है 2011 की। 2011 में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन का आदेश दिया गया और उसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 की तारीख उद्घाटन के लिए यहां मुकम्मल की गई। तो ऐसे बना है अयोध्या का राम मंदिर। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।